जा रहे हैं मम्मी पापा को छोड़ने, और मम्मी पापा को छोड़ के आएंगे तो हम लोग जाएंगे घर ना। तो ये चाय पी रहे थे, दोबारा पी रहे हैं, दोबारा पी रहे हो आप, हमको पता है ये दोबारा चाय पी रहे हैं। तो जब ये मम्मी पापा को छोड़ के आएंगे तो हम लोग जाएंगे घर। वैसे तो ये बोल रहे हैं रुकने के लिए, तो हमने बोला ठीक है। फिर मैं सोच रही हूँ लाडो का मालिश वालिश कैसे होगा, उसका दवा मालिश पानी सब पता है ना, सब घर पे ही है, उसका ऑयल है घर पे, उसका मालिश करने वाला सब कुछ घर पे ही है। तो घर पे क्या बोलते हैं, फ्रिज वगैरह भी ऑन करके आया है, उसमें खाना भी रखा है। पता है घर पे भी जाएंगे आपको दिखाएंगे, इतना फैला हुआ है कि पूछिए मत, जैसे लग रहा है वहाँ कोई रहता ही नहीं है। तो चलेंगे घर पे, जाइए तो ये जाएंगे मम्मी को छोड़ने, मम्मी को छोड़ के आएंगे तब उसके बाद हम जाएंगे। तो आपने मेकअप का बहुत तारीफ किया था, आपने बहुत अच्छा किया है, अपने से किया है, बहुत अच्छा किया है। और इतना तारीफ सुन सुन के ना मैं एकदम खुश हो गई हूँ कि अपने से करती हैं अच्छा लगता है। तो चलिए ऐसे ही अपना प्यार और तारीफ सपोर्ट बनाए रखिए, अच्छा लगता है, फिर से हम अपने से करेंगे। और ना गाइस, अब ना जो वीडियो फास्ट करके हम बनाते हैं मेकअप का ना, अब एक एक करके हम बनाएंगे, दूसरे ब्लॉग में बनाएंगे, वो हम वीडियो डालेंगे, तो आप लोग भी सीख पाएंगे घर पे और जल्दी से और अच्छे से कैसे मेकअप करें जैसे मैंने किया था। तो जिसको सीखना है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम मेकअप करके उनको बताएंगे कैसे कैसे करना है। और दूसरी बात, हेयर स्टाइल का भी ब्लॉग बनाएंगे हम, क्योंकि बहुत मैंने जब अपने एनिवर्सरी पे बनाया था तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि दीदी आपने ये बनाया है, तो एनिवर्सरी के बाद हमको कभी टाइम ही नहीं मिला बनाने के लिए वीडियो कि हम अपना हेयर स्टाइल दिखाएं। तो चलिए आप कोशिश करेंगे बना के दिखाने का, तो बना के दिखाएंगे। और नेक्स्ट व्लॉग में आएगा हमारा डांस, हमने खूब डांस किया है, बहुत ज़्यादा डांस किया है, पता नहीं ये व्लॉग पहले आएगा कि वो व्लॉग, ये भी नहीं पता मुझे। तो चलिए अभी बताते हैं हम। तो पापा जा रहे हैं और ये बैग वगैरह सब लेके जा रहे हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप सब, जाइए बाय। तो गाइस, मम्मी पापा जा रहे हैं, आज केवल विदाई विदाई, सुबह से विदाई विदाई चल रहा है, कार्तिक रो रहा है और ये जा रहे हैं बैग वगैरह लेके, जाइए बाय, जाइए ठीक है, जाइए। चाबी चाबी हमको घर का दे दीजिए, जाइए, हम यही है घर का। चा मान लीजिए कुछ सामान की जरूरत पड़ा था, अरे यार दवा हो गया, ऑयल हो गया बच्चे का, चाबी देके जाइए। ये ऋषभ को देखिए, ऋषभ मस्त है। तो चलिए सामान वगैरह बाहर ये ला रहे हैं और मम्मी पापा आ रहे हैं। बाय मनीषा जी, अब नेक्स्ट टाइम आइएगा गोलू मोलू लेके, ठीक है, बहुत हम लोग भी करेंगे, परिवार से बिछड़ने का इस गाड़ी वगैरह हमारा बुक हो गया है। और उसके बाद ये बात कर रहे हैं ऊबर वाले भैया से और चलते हैं, बस निकलने का टाइम आ गया है, हम लोग निकलते हैं। और सोनाक्षी खूब प्यार कर ले रही है अलका को, जाने दो जाने दो, सोइए सोइए, पता है सोई है तभी तक ठीक है, नहीं तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कल जब आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो हम चाहते हैं सो ही रहे और सोते हुए इसको लेके चले, तब सोनाक्षी अब कब मिलेंगे, अब जब बेबी आएगा यहाँ पे, और बगल में है तो आ जाएगा। अच्छा, तुम्हारे बगल में है ना, फिर भी नहीं मिल पाते हैं। हाँ तो चलिए मिलते रहेंगे, कोई नहीं, इधर का व्यू दिखा देते हैं आप सबको। पिन गिरा दीदी, पिन गिरा, पिन है। पापा हैं, पापा टीवी देख रहे हैं, मम्मी कुछ कर रही है, गोलू बहुत लंबा हो गया, बहुत जल्दी बढ़ गया, नहीं जब हम आए थे पिछली बार ना इतना। चलते हैं लाडो को ले लेते हैं और अपना बैग ले लेते हैं, जा रही हूं। गाल मत नोचो बेटू, उठ जाएगी, जब उठ जाए खूब गाल नोचो, खूब बाल नोचो, सब नोचो। तो चलते हैं, अरे अरे देखो उठ गई, इसीलिए ना बोलते हैं ना
गाल वाल मन नोचने, तो बहुत जल्दी उठती है ये, 10 मिनट सोती है 10 मिनट में उठ जाती है। तो गाइस ये उठ गई है, चलते हैं अब इनको भैया लेके, और हमारा गाड़ी भी आ गया है, चलते हैं सबसे मिल लेते हैं, बैग वैग उठा लेते हैं, लाडो को उठा लेते हैं। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए, और घर पहुंचने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। इनको देखिए हमारी लाडो लानी को, तो अरे बेटू 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 नहीं पलटी मत करना, नहीं तो आप सीधा सीधा पता ही कहाँ जाओगे, सीधा नीचे जाओगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि रात में ना हम सो नहीं पाए थे, और ये ड्यूटी से काफ़ी रात में आए थे तो गेट वगैरह भी खोलना होता है हमको, तो इसलिए हम सो नहीं पाए थे, हमें जुकाम भी हुआ था। बेटू ये क्या कर रहे हो आप, गंदी बात नहीं करते, तो इसकी वजह से हम सो नहीं पा रहे थे। अब भैया सो के उठे तो बहुत ही सर भारी था, आप लोग देख सकते हो मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी ये ड्यूटी गए, दवा दिए इसके पहले, ड्यूटी जाने से पहले मुझे दवा दिए, तो दवा ववा खाएँ, हमें ऐसा लग रहा है अंदर से ना फीवर है, देख सकते हो आप, जैसे होता नहीं है जैसे सांस नहीं ले पाते हैं, तो रात में पूरी रात जुकाम में नींद नहीं लगती मेरी, तो भैया यही है, बहुत लोग को जुकाम में नींद आ जाता है लेकिन मुझे नहीं आता है। तो अचानक से तबीयत खराब हो गया, पहले से ही मेरा थोड़ा तबीयत हमको लग रहा था डाउन है, गोद भराई में जाने से एक दिन पहले ही हमको ऐसा लग रहा था, पता नहीं कैसे हो गया, जो कि फैन वगैरह बंद करके सोते हैं तब भी ये हाल है। तो उसके बाद जुकाम हो गया, भैया दवा ववा खा के लेटे हैं, और जनाब हमारे गए ड्यूटी, अब ड्यूटी से आएंगे रात में, फिर हमको जाना होगा गेट खोलने। लाडो लाडी का तो बात ही अलग है, बेटू ये क्या कर लो आप, ये क्या कर लो आप गद्दे हो क्या। तो अब पहले से जाके अब थोड़ा तबीयत इनका हमारी लाडो का ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान करती, बहुत दिक्कत हो रहा था, हम लोग संभाल नहीं पा रहे थे, अब थोड़ी ठीक है ना बेटू। हेलो बोलो सबको, बोलो हेलो, बोलो थोड़ा सा लल्लाओ ना। तो गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी लाडो का ड्रेस कैसा लग रहा था, हमारी लाडो रानी कैसी लग रही है। तो आप लोग दुआ करिए थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाए मेरा, भगवान न करे पहले जैसा अगर तबीयत खराब हो गया तो फिर से भैया नहीं नाम नहीं लेना है। ये क्या बोल रही हूँ, हेलो बोल रही हूँ क्या अपने अंदाज में, हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बोलो हेलो, बोलो बेटा कह दो हेलो सबको। अच्छा नहीं बोलना, कोई नहीं। तो गाइस वहाँ से नाश्ता वगैरह करके आए थे, तो आपने देखा होगा किसके ब्लॉग में देखा होगा, वह देखा होगा किसी ब्लॉग में, मैंने शूट की क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं चार्ज था, और बहुत ज़्यादा घर में फैला हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ, आते ही मतलब थक गए थे, इतना आराम नहीं कर पाए, तो नींद भी नहीं आ रही है ना, और ऊपर से ये भी सो नहीं रही है, तो हम कहाँ से सोएं। तो चलते हैं थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं।